तो सबसे सबसे पहले मैं बता दूं कि हम ट्रेनी वेरिफिकेशन करते क्यों हैं, ट्रेनी वेरिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है ना, ये हमको पता होना चाहिए ना। आवाज मेरी साफ साफ स्पष्ट आ रही है ना सभी के पास? यस सर। ठीक है। यस सर। एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल में हमें ट्रेनी वेरिफिकेशन करना होता है। रीजन ये है कि जब तक हम ट्रेनी वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तब तक हमारा जो रिकॉर्ड है ना, स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो एनसीबीटी पोर्टल में एग्जिस्ट नहीं करता है, एनसीबीटी पोर्टल में रजिस्टर नहीं होता है। आप वेरिफिकेशन करोगे, वो वेरिफिकेशन जैसे आप सबमिट करोगे वो हमारे पास आएगा। हमारे पास का मतलब क्या है, इंस्टीट्यूट की आईडी पे आएगा, फिर हम इंस्टीट्यूट की आईडी से उसको अप्रूव करेंगे। जब हम उसको इंस्टीट्यूट की आईडी से अप्रूव कर देंगे तो वो रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हो जाएगा एनसीबीटी के डेटाबेस में। तो एनसीबीटी के डेटाबेस में जब तक आपका रिकॉर्ड स्टोर नहीं होगा, संधारित नहीं होगा, तब तक ना तो आपका एग्जाम फॉर्म भरेगा, ना ही आपकी मार्कशीट जनरेट होगी, ना ही आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो अभी अब परीक्षा हमारी होनी है तो हमें सबसे पहला काम जो है वो ट्रेनी वेरिफिकेशन करना होगा, ठीक है। और ये करना कहाँ है, एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल में। हालांकि इस काम को इंस्टीट्यूट कर सकता था, लेकिन समस्या ये है कि ओटीपी जो आएगी वो आपके मोबाइल में आएगी, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, एडमिशन के समय जो आपने मोबाइल नंबर अपना सेव किया था अपने डेटाबेस में, उसी में ओटीपी आएगी। और वो ओटीपी हम सबसे नहीं पूछ सकते, किसी को फोन लगता है किसी को नहीं लगता, तो ये स्टूडेंट को स्वयं से करना है। और जो ओटीपी आएगी उस ओटीपी को एंटर करके अपना वेरिफिकेशन कर लेंगे। समझ में आ गया ना। साथ में यहाँ पे एक चीज और है कि ट्रेनी वेरिफिकेशन की आवश्यकता और क्यों है, इसलिए है कि अभी आप अपना पूरा डेटाबेस देख लेंगे, अपना पूरा रिकॉर्ड देख लेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं है आपके नाम में, पिताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, सब दिख जाएगा। तो कहीं कोई गलती होगी तो अभी वो सुधर जाएगी, नहीं तो फिर वो किस में आ जाएगी, मार्कशीट में। फिर आप ज्यादा परेशान होगे कि मार्कशीट सुधरवाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो अभी आप वहां पे अपना रिकॉर्ड देख करके उसे सुधार भी सकते हो, लेकिन सुधारने की प्रक्रिया में क्या है, आपको रिक्वेस्ट को डिसएग्री करना पड़ेगा। डिसएग्री करोगे वो हमारे पास आएगी, हम उसे सुधार के फिर से सबमिट करेंगे। मोबाइल नंबर किसी को चेंज करना है, मान लो मोबाइल नंबर उस समय दूसरा था, अभी खो गया या दूसरे को दे दिए या बंद हो गया, ओटीपी नहीं आ रही, तो वेरिफिकेशन ही नहीं होगा। तो मोबाइल नंबर भी अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। माइक को ऑन करके बीच बीच में बोल दो, मुझे लगे कि कोई सुन रहा है। यस सर। है ना, आ रहा ना समझ में? ऑन रखो, जिसके यहाँ नॉइज एक्स्ट्रा नॉइज नहीं है वो चालू रखो, जिसके यहाँ एक्स्ट्रा नॉइज है वो बंद रखो, ठीक है। और ये रोहन प्रजापति, प्रशांत द्विवेदी, श्रद्धा पटेल, ये वीडियो ऑन करो आप लोग। श्रद्धा पटेल, प्रशांत द्विवेदी, जी सर, ठीक है। तो ये करना कैसे है, हमें एकदम सिंपल सी प्रोसेस है। यदि आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो कर सकते हैं, यदि आपके पास नहीं है तो मोबाइल से भी आप इस काम को कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, एकदम सिंपल सी प्रोसेस है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप सब स्क्रीन पे देखेंगे, आप सबके मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। गूगल क्रोम मैंने ओपन किया है ना। यहाँ पे सिंपल सी चीज सर्च करनी है आपको, एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल या एनसीवीटी एमआईएस, ये सर्च करेंगे आप जी, ठीक है। ये पहला जो पेज आ रहा है, https://www.ncvtmis.gov.in, ये है हमारा मेन पोर्टल एनसीवीटी का, ठीक है। इसमें ट्रेनी वेरिफिकेशन में डायरेक्ट आप जा सकते हैं, मान लो यहां से नहीं जा रहे तो आप एनसीबीटी एमआईएस में क्लिक कर दीजिए तो होम पेज के साथ ये पोर्टल खुल जाएगा। ये दिख रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को? जी सर। अब इसमें तीसरा टैब देखिए, ट्रेनी है, दिख रहा है? मैं और बड़ा करके दिखा देता हूं आपको इसको, ये देखिए ट्रेनी दिख रहा। यस सर। ट्रेनी के अंदर साफ साफ लिखा है ट्रेनी वेरिफिकेशन, लिखा है ना। यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो ये इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर, नेम, फादर गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, और यहाँ पर ये कैप्चा, इसको डाल करके आप सबमिट करेंगे। तो किसी एक स्टूडेंट का हम करके देख लेते हैं, बाकी लोग को सबको अपने से करना है, ठीक
ठीक है जी जी, तो किसका कर लें, किसका करना है? चलो अंकित जी सर कर दीजिए मेरा, है ना। हाँ अंकित अपना तुम रिकॉर्ड बताना मुझे जरा सा, एक मिनट, ये आपको परेशानी रजिस्ट्रेशन नंबर, देखो परेशानी किसमें हो सकती है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये तो सबको पता होगा। इसमें एग्जैक्ट एंट्री वैसे ही करनी है, वही स्पेलिंग डालनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय किया था, एडमिशन के समय, ठीक है जी। एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर आप लोग को नहीं पता होगा, लिखा ना एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर, तो इस वीडियो के बाद मैं ग्रुप में सबका जो है एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर डाल दूंगा, ठीक है जी। अंकित सोनी का हमें करना है, मैं अंकित सोनी का रिकॉर्ड देख लेता हूँ कहाँ पे है, अंकित सोनी है ना जी सर, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ टी आर, टी आर से शुरू होता है ये, टी आर 200900546468, ये मैंने टी आर नंबर डाल दिया, एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर, नेम, नेम में क्या है तुम्हारा रिकॉर्ड में, अंकित सोनी ना जी जी, अंकित स्पेस सोनी, जिसके यहां से आवाज एक्स्ट्रा नॉइज आ रही है वो माइक को बंद कर देंगे। फादर्स नेम में क्या है अंकित, प्रशांत सोनी, प्रशांत सोनी जी, प्रशांत सोनी। डेट ऑफ बर्थ बताओ, 30/09/1999, 30/09/1999 जी, ये तुम्हारा डेट ऑफ, कैप्चा डालूंगा मैं 35074 और इसे मैं करता हूं सबमिट। DDMMM इसको तीन में ले रहा है, 30 के बाद इसको दो बार डालना पड़ेगा, 000 सबमिट, अपन यहीं से ले लेते हैं, ठीक है ये चेक कर लेना यहां से, ठीक है कैलेंडर से ले लेना तो सही रहेगा। 1999 सर, ये जो 3MMM है ना, सीधे कैलेंडर से ले लो तो झंझट ही खत्म हो जाएगी जी सर, है ना, सितंबर और ये 30, ठीक है वो समझ गया। और ये दो तीन बार परेशान करेगा, थोड़ा सा परेशान करता है ये, बार बार कैप्चा डलवाएगा, ठीक है ये देखो अब ले लिया ना जी, एंटर हो गए अपन, ये पूरी डिटेल यहाँ पे दिख रही है, ये पूरी डिटेल दिख रही है, देखो यहाँ पे दो चीज है, एग्री और डिसएग्री दिख रहा है जी सर, जिसका सारा रिकॉर्ड सही है वो क्या कर देगा, एग्री, और जिसका कहीं कोई दिक्कत लग रहा है, समझ में आ रहा कि कुछ गड़बड़ है, तो वो क्या करेगा, डिसएग्री, ठीक है जी, डिसएग्री करेंगे तो क्या गड़बड़ है पूछेगा, उसको सुधार करके फिर सबमिट कर देना, तो वो हमारे पास आ जाएगा, हम उसको अप्रूव करेंगे, 24 घंटे में आप दोबारा से फिर से चेक करोगे और फिर अपना वेरिफिकेशन करोगे। ये प्रोसेस उनके लिए हो गई जिनका कुछ रिकॉर्ड गड़बड़ है, लेकिन जिनका रिकॉर्ड पूरा सही है वो यहाँ पर क्या करेंगे, एग्री। अंकित सोनी चेक कर लो एक बार जी सर, कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर देखो सही है, 9340336605 जी सर सही है, है ना, ईमेल आईडी sonyjiankit51@gmail.com जी सर सही है, बाकी तीन चीजें तो सही है, मैं इसको एग्री कर रहा हूँ, ठीक है जी। देखो ओटीपी आई क्या अंकित, देख रहा हूँ सर, ये इस तरह से ओटीपी मांगेगा, एंटर ओटीपी, अभी तक तो नहीं आई सर ओटीपी, आएगी आएगी, जी
नहीं आई सर ओटीपी। नहीं आई जी, रीसेंड कर रहा हूँ, ठीक है जी। नहीं आई अभी तक, नहीं आ रही सर ओटीपी। मोबाइल नंबर यही है 9340 66 6605। जी सर यही है। चलो इसको दोबारा से ट्राई करना अंकित, तभी मैं किसी और का करता हूँ, ठीक है जी सर। इसका कर लें, तो मेरा कर दीजिए। ओटीपी अभी आई आ गई ओटीपी जी जी अभी आई। चलो अब तो वो पेज गया है ना। चलो अभी ठीक है, एक प्रैक्टिकल और हो जाएगा जिनके समझ में, एक बार और देख लें, ठीक है। एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर इसका मेन का, यस सर, मेन का वन स्टार, यस सर, मेन का वन स्टार, टीआर नंबर है TR200900054 6887। मैं फीड कर रहा हूं, आप चेक करिएगा मेन का, है ना। यस सर। ओटीपी आ गई सर अभी। चलो चलो ठीक है, आ गई तो अपने से कर लेना, तुम तो होशियार हो यार। मेनका वंशकार, फादर्स नेम सुदर्शन लाल, सुदर्शन लाल वंशकार, यस सर। स्पेलिंग चेक करिएगा आप, यस सर, सुदर्शन लाल वंशकार। डेट ऑफ बर्थ, करेक्ट, डेट ऑफ बर्थ 4/4/1996 4/4/1996 सबमिट। ये देखिए आ गई डिटेल, है ना। मोबाइल नंबर 9770852255, यस सर, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ एग्री। अब देखिए आपके पास ओटीपी आती है कि नहीं, हम फिर से ओटीपी पेज पे हैं। यस सर आ गई। हाँ बताइए। 1787 59। ये मैंने ओटीपी एंटर कर दी और इसे मैं कर रहा हूँ सबमिट। यहाँ पर मैसेज आ गया, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, दिख रहा सभी को। जी सर, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, एकदम स्पष्ट दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना। इसका मतलब, इसका मतलब ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया और ट्रेनी वेरिफिकेशन सक्सेस हो गया। तो मेनका आपको ये नहीं करना है, बाकी सारे स्टूडेंट्स को ये आज ही करना है, आज ही, क्योंकि पोर्टल में अभी बोला कि आज ही लास्ट डेट है, तो हम आज ही कर लें, कल का वेट ना करें, 2 मिनट का काम है, ठीक है। yes, तो सभी लोग इसको करने के बाद ग्रुप में मैसेज भी डाल देंगे, डन, जो भी डन लिख के भेजेगा हम मान लेंगे उसका हो गया, ठीक है। yes, या तो इस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके हमको दे देगा। और जो लोग अनुपस्थित हैं, जो लोग अनुपस्थित हैं, जो अभी नहीं देखे हैं, जो अभी नहीं आ पाए हैं, उनको सबको आप बता देंगे यदि वो पूछते हैं कि कैसे करना है। अल्ताफ समझ में आ गया? जी सर बिल्कुल। सभी के समझ में आ गया ना? जी सर जी। बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, है ना। लेकिन एक साथ बता देने से ये है कि सब फटाफट आज ही कर लेंगे, तो आज के डेट में ये पूरा आपको कर लेना है। किसी को कोई और दिक्कत हो, डाउट हो, तो मुझसे पूछ ले। अभी मैं टीआर नंबर सबका जो है ग्रुप में डाल देता हूँ, तो सबको मिल जाएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर, नहीं सर, नहीं ना। वेरी गुड।
ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है ना किसी का? नहीं सर। सर तो बंद करूं मैं? जी जी, है ना, क्विट कर सकते हैं अपन। ठीक है, सभी लोग कर लो, और किसी को कोई दिक्कत होती है तो मुझसे फोन कर लेना, बात कर लेना मुझसे। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू सर।